नमस्कार। ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, अंग्रेज चले गए पर अपने औलादों को भारत के अंदर छोड़ गए, मुगल्स चले गए लेकिन अपने औलादों को भारत में छोड़ गए। जिस तरीके से मुगल्स हमारे भारत देश को अंदर से तोड़ रहे थे लोगों को आपस में लड़वा के, उसी तरह से अंग्रेजों ने भी वही काम किया था और अब कांग्रेस भी वही काम कर रही है लोगों के बीच में लैंग्वेज बैरियर को लाके लोगों को डिवाइड करने का। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है इसके बीच में वो डिफरेंसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं लैंग्वेज को लेके। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश को भी कुछ इसी तरीके से डिवाइड किया गया था लैंग्वेज के कारण ही, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी क्या हालत हो रखी है हम सब ने देखा। तरीके से हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है, हमारे कल्चर का अपमान किया जाता है, हिंदुओं के साथ नरसंहार होता है, आए दिन हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, हम सब देखते आ रहे हैं। पहले लैंग्वेज के बेसिस पे आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया और उसके बाद फिर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार। ये जो कांग्रेस वाले हैं इन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवाया से नो टू संस्कृत, संस्कृत का बहिष्कार करने के लिए ये सारे कर्नाटका के लोगों को उकसा रहे थे। चलिए कुछ फैक्ट्स और न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कांग्रेस वाले हैं वो किस तरीके से लैंग्वेज को बीच में लाके हम सभी सनातनियों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये मुगल्स की चमचागिरी भी करते हैं। वो चाहते थे कि किसी प्रकार से कर्नाटका के अंदर जितने भी सनातनी हैं वो आपस में जुड़े हुए ना रहें। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लोग हैं, जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लोग हैं, जितने प्यार से वो लोग कर्नाटका के अंदर रहते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाए लैंग्वेज के बेसिस पर, और उसके बाद उनको आराम से रूल किया जाए। इस दाव को खेलने के लिए कांग्रेस वालों ने कन्नड़ा लैंग्वेज का सहारा लिया, कन्नड़ा लैंग्वेज के शोल्डर के ऊपर रख के अपनी बंदूक चलाई ताकि कर्नाटका के लोगों को ये लगे कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो तो यही चाहती है कि कर्नाटका का जो अपना लैंग्वेज है, जो मदर टंग है कन्नड़ा, उसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज कर्नाटका के अंदर ना हो, ना पढ़ाया जाए ना उसको बोला जाए। और इसीलिए इस ट्रेंड को सपोर्ट करने बहुत सारे कर्नाटका के कॉमन पीपल भी आ गए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने मदर टंग के लिए आवाज़ उठाना बहुत अच्छी बात है, सबको अपने मदर टंग के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं और सारे लैंग्वेज अपने आप में खूबसूरत हैं, अपने आप में यूनिक हैं, और हमें सारे लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि आखिर में वो हमारे भारत के ही लैंग्वेज है, हमारा ही मदर टंग है। भले ही हम लोग अलग स्टेट में रहते हैं लेकिन अंत में हम सभी लोग भारतीय हैं और वो सारे लैंग्वेजेस भारतीय हैं, इसीलिए हम सभी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट करते हैं और हमें करना भी चाहिए, और जितने भी भारतीय लैंग्वेज है उन सब के लिए आवाज़ उठानी भी चाहिए। कांग्रेस के जो लीडर हैं नटराज गौड़ा, उन्होंने ट्वीट किया से नो टू संस्कृत, हमें कोई भी संस्कृत यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, कर्नाटका के जितने भी लोग हैं उन सबको सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ा आना चाहिए। और इस ट्रेंड की सबसे मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ, इस हैशटैग को ट्रेंड कराने में कांग्रेस वाले और PFI वाले एक साथ आए हुए थे। PFI वाले मदद कर रहे थे कांग्रेस की, PFI, हाँ वही PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप है जो कि पूरे इंडिया के अंदर लव जिहाद करना चाहते हैं, जिनका कि कनेक्शन न जाने कितने आतंकवादी संगठनों के साथ है। पूरा न्यूज आर्टिकल के साथ मैं बोल रहा हूँ, PFI का ये गोल था कि इंडिया के अंदर सिर्फ इस्लामिक रूल हो, और इसके लिए बकायदा इंडिया टुडे वालों ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। और इसके बाद ही बहुत सारे और भी लीडर्स आके ये बोलना शुरू कर देते हैं कि जो संस्कृत है वो तो एक एलियन लैंग्वेज है, वो तो एक विदेशी लैंग्वेज है, वो तो इंडिया का लैंग्वेज है ही नहीं, इसलिए हमें संस्कृत की कोई ज़रूरत नहीं है, कर्नाटका के लोगों को सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ा चाहिए और कोई भी लैंग्वेज नहीं। जबकि इस न्यूज़ आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि कर्नाटका के अंदर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो चाहती थी कि एक उर्दू की यूनिवर्सिटी बनाई जाए और लोग जो है वो उर्दू पढ़ें, उर्दू जानें। क्यों भाई, मतलब कांग्रेस के हिसाब से उर्दू एक भारतीय लैंग्वेज है और संस्कृत एक विदेशी लैंग्वेज है, एक एलियन लैंग्वेज है। संस्कृत जो कि लोगों के बीच में एक ब्रिज बन रही है, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, तो फिर कांग्रेस वाले ये क्यों चाहते हैं कि संस्कृत को किसी भी तरीके से हटा दिया जाए लेकिन वहीं पर उर्दू को कर्नाटका में रहने दिया जाए, उर्दू के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी बने, लोग उर्दू पढ़ें। दरअसल में कांग्रेस यही चाहती है कि किसी भी तरीके से लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट किया जाए, चाहे वो संस्कृत को लेकर हो या फिर हिंदी को लेकर हो, क्योंकि कांग्रेस वालों को ये मालूम है कि हिंदुओं को तोड़ने के लिए उनको कोई ना कोई बैरियर लगाना होगा, फिर चाहे वो हिंदी को लेकर हो या फिर संस्कृत को लेकर। कर्नाटका के जो एक से चीफ मिनिस्टर थे सिद्धरमैया, उन्होंने तो पुलिस वालों को ये भी कहा था कि आप सभी लोग उर्दू सीखिए और उर्दू में लोगों से बात कीजिए, पोलाइट रहिए, पोलाइट होने की कोशिश कीजिए। वाह भाई वाह, उर्दू बहुत ज़्यादा पोलाइट लैंग्वेज है और जो संस्कृत है वो एक एलियन लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू कांग्रेस। सिद्धरमैया ने कहा कि कर्नाटका के जितने भी पुलिस वाले हैं वो सब लोग उर्दू बोल के लोगों का दिल जीते हैं। क्यों भाई, जो कर्नाटका का मदर टंग है कन्नड़ा, क्या वो पोलाइट नहीं है? मैं रहा हूँ बैंगलोर में, 5 साल मैं रहा हूँ वहाँ पे, मैंने सीखा है कन्नड़ा, मैं कन्नड़ा समझता भी हूँ, मैं कन्नड़ा बोलता भी हूँ, और मैं जानता हूँ कि कन्नड़ा कितना ज़्यादा पोलाइट लैंग्वेज है। और मुझे भी गर्व होता है कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के बाद जो मैंने नेक्स्ट लैंग्वेज सीखा था वो कन्नड़ा था। अगर कांग्रेस के लीडर्स कर्नाटका के मदर टंग कन्नड़ा को लेकर इतना ही ज़्यादा सीरियस है
तो फिर जो गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं उसमें वो उर्दू का उपयोग क्यों करते हैं, कन्नड़ा का उपयोग क्यों नहीं करते हैं पूरे लेटर्स में? इस लेटर में आप देख सकते हो कि उन्होंने उर्दू में लिखवाया है। क्यों कांग्रेस वालों, यहाँ पे क्यों नहीं पूरे लेटर को कन्नड़ा में लिखा गया, उर्दू में क्यों लिखा गया? मतलब कांग्रेस की माने तो कर्नाटका के अंदर उर्दू बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन संस्कृत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि संस्कृत लोगों को जोड़ती है। इस न्यूज़ आर्टिकल में भी आप पढ़ सकते हो कि किस तरीके से कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने अपोज किया था जब कर्नाटका के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट टेंपल्स को फ्री करना चाहती थी। इस चीज़ को कांग्रेस वाले रेजिस्ट कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि जो हिंदू टेंपल्स हैं उनको फ्री किया जाए, क्योंकि अगर हिंदू टेंपल्स फ्री हो जाएंगे तो उनके फंड्स को छुड़ाने का, उनके फंड्स को खाने का इनको मौका कहाँ से मिलेगा। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर भी यही चाहते थे कि हमारे पूरे देश के लिए एक यूनियन लैंग्वेज संस्कृत होना चाहिए। इस न्यूज कटिंग में आप पढ़ सकते हैं, ये जो न्यूज कटिंग है वो सितंबर 11, 1949 का है। संस्कृत एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन अमेंडमेंट टू ड्राफ्ट प्रोविजंस। बाबा साहब अम्बेडकर को भी पता था कि पूरे देश को जोड़ने के लिए कोई एक ब्रिज होना चाहिए, और उसी ब्रिज का काम कर रही थी संस्कृत। इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट के लोग हैं, जो साउथ पार्ट के लोग हैं, उन लोगों को जोड़ने का काम करती है, और इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि वो लोग कभी नहीं जुड़े, क्योंकि अगर वो लोग जुड़ेंगे, एक साथ अच्छे से रहेंगे, तो कांग्रेस का जो तोड़ने का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो कर्नाटका से हैं, तो इन सभी प्रोपेगेंडा में मत फंसिएगा। ये लोग तो कैसे भी करके चाहते हैं कि हम सभी लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाए, चाहे वो हिंदी को लेकर हो या फिर संस्कृत को लेकर हो। देखिए, इंडिया के अंदर जो मेजर न्यूज चैनल्स हैं वो हिंदी में कवरेज देते हैं, लेकिन जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि आप हिंदी बोलने वालों से हेट करो, हिंदी मत बोलो, हिंदी मत सुनो, जितने भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लोग हैं उनसे हेट करो, उनसे मिलजुल कर मत रहो, क्योंकि साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो न्यूज चैनल चलाए जाते हैं वो लोकल लैंग्वेजेस में होते हैं, और वो सिर्फ आसपास की खबरों को ही बताते हैं। हर एक चीज़ नहीं बताया जाता है कि पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक लोकल न्यूज़ चैनल होते हैं। और अगर आपको पूरे इंडिया की खबर रखनी है कि पूरे इंडिया में क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपको हिंदी चैनल्स को रेफर करना पड़ता है, जो कि वो लोग कभी होने नहीं देंगे। तो इसीलिए लोग हिंदी न्यूज़ चैनल्स को नहीं देखते हैं और उनको खबर नहीं मिल पाती है, और इसी कारण से जो डिफरेंसेस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इन लोगों के प्रोपेगेंडा में मत फंसो। ये लोग तो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हम सभी के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए जाए। आप सभी लोगों को अब कांग्रेस का असली चेहरा दिख गया होगा कि वो मुगल्स के लैंग्वेज उर्दू को प्रीफर करते हैं लेकिन संस्कृत को नहीं। उनके लिए उर्दू जो है वो भारतीय लैंग्वेज है, लेकिन संस्कृत विदेशी लैंग्वेज है, एलियन लैंग्वेज है।